अब बात किसका बंगाल की, ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वन मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है और ये एक और झटका, क्योंकि लगातार इस तरह के झटके जो हैं वो ममता बनर्जी को लग रहे हैं। ममता बनर्जी के जो साथी हैं वो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और एक और झटका राजीव बनर्जी के तौर पर उनको लगा है, वन मंत्री। और जो उनकी तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि वो मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे थे काफी लंबे समय से, इसीलिए वो अलग हुए हैं। बंगाल की जनता की सेवा हालांकि आगे करता रहूंगा, ये बात इसका जिक्र राजीव बनर्जी ने किया है। तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें देखिए यहाँ पर कम होती हुई तो फिलहाल ठीक चुनावों से पहले दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक उन्हें झटके लग रहे हैं। और अभी जो खबर राजीव बनर्जी को लेकर, जिन्हें वन मंत्री थे, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सीधे तौर पर कहा उनकी तरफ से यह गया है कि वो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो चुनावों से पहले लगातार राजनीतिक हलचल तेज हो रही है और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि झटके पर झटके लग रहे हैं। ममता बनर्जी को एक और मंत्री का साथ, ममता बनर्जी का उन्होंने छोड़ दिया है। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उन्होंने दे दिया इस्तीफा। और अब यहाँ पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये सारे इस्तीफे, ये जो साथियों का छोड़कर जाना है ममता बनर्जी के लिए, उभर कर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख अभी तय भी नहीं हुई है और हालात इतने गर्मा गए हैं कि चुनाव आयोग को शांति से चुनाव कराने के लिए अभी से कमर कसनी पड़ी है। चुनाव आयोग का पूरा जोर इस बात पर है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में हिंसा न भड़काए। शांतिपूर्ण चुनाव कराना वास्तव में चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनाव से पहले हो रही लगातार हिंसाओं और शिकायतों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा 3 दिन के बंगाल दौरे पर थे। आज उन्होंने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल की स्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि बंगाल के पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की टीम ने बैठक की, जिसमें निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चर्चा हुई। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक हुई। उन्होंने कहा कि 30 मई को विधानसभा कार्यकाल का अंतिम दिन होगा और चुनाव आयोग का जोर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने पर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू कंडक्ट फोर्थकमिंग इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट इन फ्री, फेयर, एथिकल एंड सेफ मैनर। निर्वाचन आयोग 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 25% ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने पर विचार कर रहा है, ताकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जा सके। बीते दिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीएसएफ पर आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल के जो जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पर बीएसएफ के जवान जाकर वोटरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो वोट बीजेपी को डालें। उसी आरोप का आज जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस तरीके के जो आरोप है वो पूरी तरीके से दुर्भाग्यजनक है। और उस बैठक में जब इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस से ये इंसिडेंट के पर जो है प्रूफ मांगा, एविडेंस मांगा, तो पार्टी किसी भी तरीके से कोई प्रूफ नहीं दे पाई। उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यहाँ तक की कह दिया कि बीएसएफ देश के सारे फोर्सेस में से एक फाइनेस्ट फोर्स है और इस तरीके की टिप्पणी उन पर नहीं की जाए। इधर ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। पश्चिम बंगाल सरकार के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात रही। ये कहते हुए वो भावुक भी हो गए और उठकर चले गए। आघात एक क्षत एक मन एम एक दाग फेले जार कारण आज के कठिन सिद्धांत আমারও খুব খারাপ লাগছে, অস্বীকার করছি না। আমি নিজে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় যে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত আমায় নিতে হয়েছে। কিন্তু আমি আবার বলবো, আমি চিরকৃতজ্ঞ আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। আমার সতীর্থরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মই কলকাতা মে আজ টিএমসি নে ভি এক প্রেস কনফারেন্স কি অর খুদ পর লাগ রহে আরোপোঁ কা জবাব দিয়া। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है।
पार्टी के सीनियर नेता राजीव बनर्जी ने आज अपने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव बनर्जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में और फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। आज उन्होंने मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा कि पार्टी उन्हें जगह नहीं दे रही थी काम करने के लिए। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता पार्थ चटर्जी ने यह कह दिया कि कुछ नेता हैं जो आएंगे और जाएंगे चुनाव से पहले, उस पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नेताओं पर बीजेपी टिप्पणी करती थी, आरोप लगाती थी और सवाल पूछती थी, आज बीजेपी उन्हीं को अपने पार्टी में सदस्यता दे रही है, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्थ चटर्जी ने यह कहा कि जो नेता जाना चाहते हैं बीजेपी वो बेशक जाए और तृणमूल कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबेल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।